साथ इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं ना, आई मीन इतने बड़े बड़े हैं कि आपकी दिल की धड़कन ना बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह छक 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 करने लगेंगे। वी टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान। और आपको ना वैसे आपका नाम क्या है? आई एम फीलिंग लाइक विवान। ओ सी मैं कितना खूबसूरत हूँ। द ब्यूटीफुल दीपिका पादुकोण ऑफ कोर्स। वेलकम गाइस, वेलकम टू मकाओ। थैंक यू। आपको मकाओ में आकर कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दूसरी बारी है यहाँ पे और मैंने मकाओ में ढाई चीजें देखी। ढाई? अच्छा। एक फेरी में देखा है मैंने और एक कमरा देखा है फेरी के अंदर जहाँ पे बैठ के नूडल्स मिलते हैं एक पैकेट के अंदर, बहुत खूबसूरत है। हाँ, कप नूडल्स। फिर उसके बाद बहुत एक लंबी वॉक देखी और वेनिशियन होटल के हमने बहुत सारी कारपेट्स और कमरे देखे हैं जो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं और चलते ही रहते हैं। आपने कैसीनो नहीं देखा सर? नहीं, वहां तक मैं भी पहुंचा नहीं हूं। ओके सर, आईफा के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है आईफा एज अ प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली, आपके इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट अवार्ड फंक्शंस टू टेक अस अब्रॉड, व्हिच मींस टेक इंडियन सिनेमा अब्रॉड। एंड आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट इज अ हाईली important award to have been initiated. If I'm not mistaken, it happened in London first time. And for me, one of the nicest moments was Angelina Jolie was there. And I co-presented an award with her. But I didn't look at her at all. And I was actually like, because I thought Bruce Lee's daughter, Angelina Jolie. So that's why I went there. And... You're not even in the area, what are you talking about? No, no, I'm talking about that. But I think it was such a grand success. You know, suddenly Bollywood got this status. So I think extremely important for taking Bollywood international in that respect. You are performing in IFA? Yes. This is the first time I'm performing at IFA. And I'm looking forward. I'm very, very excited. You are very happy and you are very happy that you came to IFA. And जो मेरी पिछली तीन रिलीजेज थे कॉकटेल, रेस एंड ये जवानी, मैं कॉकटेल को अभी हिंदी रूपांतर बताऊं? हाँ सर बताइए। पूंछ, समथिंग पूंछ। हाँ लेकिन मुर्गा पूंछ। कैसी कैसी फिल्में कर रही है यार। इन तीन फिल्म्स में जो गाने थे मैं उस पे परफॉर्म कर रही हूँ। अच्छा, आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड, नर्वस ऑल्सो। जब भी मैं लाइव परफॉर्म करती हूँ तो हमेशा एक एक्साइटमेंट भी होता है बट नर्वसनेस भी होती है, बिकॉज यू नो इट्स ऑलवेज लाइक वॉट इफ आई फॉरगेट माई स्टेप्स, या अगर कुछ स्टेज पे है, या अगर मैं ट्रिप हो गई या लुढ़क गई। लुढ़क लुढ़क मतलब गिर गई। या आई नो बट हाउ डू प्रोनाउंस इट? लुढ़क लुढ़क लुढ़क। अगर मैं लुढ़क गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑडियंस को बताइए कि ऐसे परफॉर्मेंस करने के लिए कितने रिहर्सल्स करने पड़ते हैं, कितना प्रैक्टिस लगता है? नॉट मच, जस्ट अबाउट 2 मंथ्स और सो। बस 2 महीने और क्या चाहिए? बस 2 महीने। एक्चुअली दीपिका ट्रेन डांसर है जी, मतलब थोड़ा बहुत पहले किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने नोट किया है शी हैज स्टिल बीन रिहर्सिंग एंड आई एम श्योर शी इज डन इट वेल इनफ टू सी। आई एम होपिंग दैट आई एम ऑफ स्टेज एट दैट टाइम, क्योंकि मैं कुछ पोर्शंस होस्ट कर रहा हूँ कि मैं इनको देख सकूँ। दीपिका स्टेज पर हो और मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरे और दीपिका बीच में कोई नहीं आ सकता। ओके, टॉकिंग अबाउट चेन्नई एक्सप्रेस, फिल्म के बारे में कुछ बताइए हमें। फिल्म रोहित शेट्टी ने बनाई है। हाँ सर। और कॉमेडी है और उसमें थोड़ा बहुत रोहित जैसा एक्शन भी है, गाने हैं और मेन चीज है दीपिका पादुकोण। रोहित जैसा एक्शन मतलब रोहित जैसा एक्शन करते हैं, एक्सप्लोडिंग चीजें और गाड़ियां उड़, मगर उस अलग सा किया है, थोड़ा सा रियलिस्टिक किया है थोड़ा सा और भी। अच्छा। और जो जॉनर में पिक्चर है उसकी वजह से थोड़ा सा और सूटेबल लगता है। जॉनर की बात करें तो जॉनर आप वापस वहाँ चले गए हैं जहाँ यू नो व्हाट मेड यू अ स्टार, जिसने आपको स्टार बनाया, जैसे रोमांटिक कॉमेडी। आई डोंट नो एक्चुअली विवान, मुझको ऐसा लोग बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता, मैं वो फिल्म करता हूँ हर साल जो मुझे लगता है पिछले साल से थोड़ी सी अलग है। हो सकता है इतने साल कर लिया कि घूम फिर के वापस वहाँ पहुँच गया हूँ मैं, क्योंकि अब लग ही नहीं। बट नाम वही रखा था बिकॉज लाइन जो फिल्म में एक लाइन है कि मैं जब दीपिका से मिलता हूँ या जिससे मिलता हूँ तो मैं बोलता हूँ राहुल, नाम तो कभी सुना ही नहीं होगा। सो उसका खुद का मजाक है, कैरेक्टर वैसा नहीं है जैसा, इट्स नॉट अ फुली रोमांटिक कैरेक्टर, थोड़ा सा डरपोक है, पेशे से हलवाई है। सो दैट्स द यूएसपी, मैंने कभी वो रोल प्ले नहीं किया है, स्वीट मेकर शाहरुख खान द हलवाई। या वीडियोकॉन D2H आईफा 2013 में कल भी जारी रहेगा चेन्नई एक्सप्रेस के स्टार से बातचीत का सिलसिला, और साथ ही मिलेगा ढेर सारा फन और एंटरटेनमेंट का सुपर डोज। 1 2 3 4 3 डेज टू गो। मकाओ के बेहद ही खूबसूरत विनिशियन में
गौहर और हुसैन को मौका मिला पहली बार बॉल रूम डांसिंग करने का। गौहर एंड सुपर डैपर हुसैन, थैंक यू। सो आईफा दूसरी बार मकाओ में आया है, यू इन द वेनिशियन, हाउ डज दैट फील? आई मीन बहुत सारा बस, बहुत सारा एक्साइटमेंट है आईफा को लेकर इस साल, व्हाट आर यू गाइस मोस्ट एक्साइटेड फॉर? मेरे ख्याल से आईफा को लेकर हर साल ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ मकाओ में, यहाँ पर जो इस बार जो एक्साइटमेंट, जो मैडनेस और लोगों में जो जो उत्साह देख रहे थे, यू नो पीपल आर वेटिंग फॉर द स्टार्स टू कम इन एंड दे रियली लुकिंग फॉरवर्ड, इवन वी लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हैं। हुसैन, क्या आपको एक से लेकर दस तक अगर गौहर को एज अ डांसर रेट करना हो तो आप कितना रेट देंगे उनको? 9 गौहर काफी शॉक लग रही है इस समय। गौहर, एनी मैं शॉक लग रही हूं क्योंकि मुझे 10 नहीं दिया। कोई चीज रखी है लेकिन मैडम पता नहीं आई डोंट नो व्हाट शी डज, शी एक्चुअली फॉर सम रीजन, और आजकल तो रिएक्शन भी नहीं मिलते मुझे, लोग मुझे ऐसे देखते हैं, फिर कर दिया तो मतलब सिंपैथी भी नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती। That's terrible यार। क्या हम एक्सप्रेशन खत्म हो गई सिंपैथी के 3 सालों में? नहीं, लेकिन आईफा में हम खूब सारे एक्सप्रेशन देने वाले हैं और बहुत ज्यादा मस्ती भी करने वाले हैं। Absolutely. एंड मैं ये पीछे डांसर्स को देख के बड़ा जेलस फील कर रही हूं। इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आपको यू नो कड़क कुछ रहना पड़ता है बॉलीवुड डांसिंग में, बहुत जैसे आपकी बॉडी कुछ दिखा दीजिए हमें, आप तो उसमें माहिर हैं। एक काम करते हैं ना, इन्होंने हम लोगों को डांस सिखाया ना, अब हम इनको डांस सिखाते हैं। यस, कम ऑन, लेट्स डू दैट। ओके, वी हैव अ लिटिल गिफ्ट फॉर यू। ओके, हाउ अबाउट वी टीच यू अ फ्यू स्टेप्स ऑफ बॉलीवुड? ओके, सो नाउ दे आर योर टीचर्स। या फर्स्ट वी गो विद अ लिटिल टपोरी स्टेप। हां, ओके, कम ऑन गाइस, यू गॉट टू डू इट। या, यू हैव टू डू इट। Not bad. Not bad. And now you're gonna do the pelvic. Woo-hoo! Oh my God! Inki is so good. Inki tapori dance bhi great hai. Wow! Well, इनको जैसे आप देख रहे हैं सिर्फ आधे घंटे की प्रैक्टिस और इन्होंने हमारे विलायती जो दोस्त हैं उनको देसी गाना सिखा दिया, देसी डांस सिखा दिया। What more can I say? These guys are pros and they know what they're doing. हमारे देश में विमेन वोटिंग पॉपुलेशन की संख्या अब 49% है, और जब ये 49% अपना कीमती वोट देंगी तो हिंदुस्तान की किस्मत ही बदल देंगी। आईफा 2013 और हमारे सितारे इस पावर ऑफ 49 का समर्थन करते हैं। लॉन्ग लिव विमेन पावर, लॉन्ग लिव आईफा। आईफा ने पावर ऑफ 49 को सेलिब्रेट करने के लिए एक ग्लैमरस और स्टनिंग फैशन शो का आयोजन किया। इस फैशन शो की शान बढ़ाई खूबसूरत ऋचा चड्ढा, गॉर्जियस मिनीषा लांबा और अमृता राव ने। नारी शक्ति को डेडिकेटेड इस इवेंट में लीडिंग फैशन डिजाइनर मनाली जगताप और रॉकी एस ने खूबसूरत कलेक्शन पेश किया। एंटरटेनमेंट, मस्ती और ग्लैमर के साथ ही पावर ऑफ 49 कैंपेन के कॉस पार्टनर टाटा टी गोल्ड ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए टी शर्ट का लॉन्च किया। This awakening of the power of 49, I think it's going to happen when I think each one of us do it, when we speak to the women that we know, when we speak to our mates, when we write about it in press, when we talk about it in media. Thank you very much. Guys, these are the stars of the Kota Strip, और हमारे पास भी बहुत सारे superstars हैं, और इन superstars के हसीन पल रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास है the Lava Iris Pro Phone.